आज हमारी ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि हमारे एक यूट्यूबर ने पूछा है मुझसे, मेरे यूट्यूब व्यूअर जो है उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी डिस्कस किया जाए। ठीक है, अब इमेज देख रहे हैं और बोलते उनके पास ग्रोस रेट इतना है और उन्होंने 1.65% को डिस्काउंट एज ए माइनस करके अमाउंट यहाँ दिया है, पास बहुत सारे डिजिट्स में वो चाहते हैं कि इसको 2 डिजिट के अंदर में रखें, मतलब कि 1092.64 या 65 जो भी होगा राउंड में वो है, और ये चाहते हैं वो इस अगले कॉलम पे नहीं, सेम कॉलम पे चाहते हैं, इसी पे। ठीक है, बोला कि आप राउंड का फॉर्मूला लगा लें, तो राउंड का फॉर्मूला उनका नहीं लगा, उसके पीछे रीजन है हम आपको वो हम बताते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या है रीजन ये बताते हैं आपको। ए हमारा अमाउंट हो गया, ए हमारा आफ्टर डिस्काउंट, राइट। तो मान लीजिए कि 15,000 का अमाउंट है, मुझे 18% की जीएसटी निकाल के या फिर मान लीजिए 5% कमीशन निकालना है, तो आपने इसका इसको कर दिया माइनस 5%, दिख रहा है सर? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने ए टू माइनस ए टू का 5% निकाला और आपके सामने यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये तो फिलहाल डेसिमल प्लेसेस में नहीं है क्योंकि राउंड फिगर था, इसलिए हम इसमें कुछ फिगर डाल देते हैं। अब ये 40 आया, हाँ, यहाँ पे 5.69% हम कर देते हैं, हाँ, आप देख रहे हैं? ठीक है, ऐसा परसेंटेज बाय डिफॉल्ट आ जाता है, बट मेरा परसेंटेज सेट था पहले से नहीं आया। तो कैसे इसको राउंड में करें? तो हमारे पास राउंड नंबर को राउंड करने के 2-3 फॉर्मूले। पहला है हमारे पास राउंड का फॉर्मूला। राउंड क्या करता है, नियरेस्ट वैल्यू को देता है, 2 दे दिया ना, 3 3, तो 3 के बाद क्या है, 1 है ना, तो आपको 0.33 दिखाएगा। मैं समझा नहीं यार, राउंड का फॉर्मूला कैसे काम किया, सॉरी सर। राउंड के फॉर्मूला में मैं नंबर दे दिया और यहाँ पे 2 दिया, मतलब कि नंबर मुझे डेसिमल 2 डिजिट में चाहिए, इसे 2 दिया, 1 डिजिट में चाहिए तो 1 दीजिए, डेसिमल नहीं चाहिए तो 0 दीजिए, कोई डेसिमल। ठीक है, ठीक हो गया, लेकिन इस पे जनरल फॉर्मेट कर दीजिएगा, नंबर फॉर्मूला रखिएगा, हाँ। लेकिन जब हम 2 डिजिट में किया हमने तो ये नियरेस्ट, ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू समझते हैं? हाँ जी, नहीं मुझे नियरेस्ट वैल्यू का पता नहीं। अच्छा, उसने उसको डेसिमल प्लेस कर दिया, नियरेस्ट वैल्यू जैसे कि 3 के बाद 1 है ना, इसे 3, हाँ, अगर मैं 1 की जगह पे अगर 5 होता तो 3 जो है 3 4 बन जाता। अच्छा, 34 34 है तो 3 4, जैसे नहीं समझे कि अगर 1.56 है आपका, हाँ हाँ, हमने राउंड कर दिया, ठीक, राउंड कर दिया तो 0 मैंने कर दिया, क्योंकि डेसिमल नहीं चाहिए तो क्या होगा, ये आपका 13 दिखाएगा। ओके ओके, उसने उसको ऊपर कर दिया 5, तो कर दूंगा तो 12 दिखाएगा, क्योंकि नियरेस्ट, नियरेस्ट, ठीक है, हाँ, नियरेस्ट मतलब 3.4 का नियरेस्ट तो 12 ही होगा ना, 13, ठीक है, हो गया ना, इसलिए ठीक है। तो अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसको इसी के अंदर करना है, तो इस कैलकुलेशन को हम राउंड फॉर्मूले में ले देते हैं, राउंड, और यहाँ पे कर देते हैं कॉमा 0, मारते ये आपका आ गया, लेकिन उनका नहीं आया। रीजन क्या था? रीजन ये था कि उन्होंने डायरेक्ट 5% नहीं लिखा होगा, 5/100 किया होगा। ओके, अब इसको हम राउंड फॉर्मूले के अंदर में लगाते हैं,
राउंड फिगर में इस तरह से नहीं लेता है, मैं लगाता हूँ फॉर्मूला। कभी कभी ऐसा होता है कि राउंड पे मारने पे एक्सेप्ट नहीं करता है, वो एरर देता है, एक्सेप्ट ही नहीं करता है। ओके वो जब बहुत सारा कैलकुलेशन होता है डिवाइड वगैरह का, तो उस केस में क्या करेंगे पता है? होता है वो सिचुएशन नहीं बन पा रही है, या हो सकता है कि ऑफिस 365 इस चीज को रीड कर लिया हो, लेकिन 127 वगैरह तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। क्या करते थे कि किसी और जगह पे राउंड लगाते थे और फिर इस कैलकुलेशन को सिलेक्ट करते थे ऊपर जाके, ठीक है, फिर इसको कॉपी करते थे और फिर इसके ऊपर हम D2K का पेस्ट कर देते थे, रिजल्ट आ गया, फिर कट करके यहाँ पे पेस्ट कर, समझे? ठीक है। तो राउंड के अंदर में A2 माइनस A2 का भी परसेंटेज और निकाल लीजिए, और डेसिमल प्लेसेस 2 चाहिए तो कॉमा 2 कर, ठीक है। आई होप कि भारत जी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, क्योंकि मैंने उन्हीं के लिए आपको बताया है, ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगा तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा।